सबसे पहले तो मैं मालेगांव के बासिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यह दुआ करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में खुशी आए, सुख और शांति आए, देश में अमन कायम रहे, अमन देश में भाईचारा कायम रहे। आपको पता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऑफिशियली मुझे इस हलके से कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दुनिया में 2002 से लेकर के 2004 तक मैंने काम किया है। पूरे धुले डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे जानकारी है, लोग मुझसे वाकिफ हैं, मैं लोगों को जानता हूं। और सी ए एन आर सी के मुद्दे पर मैंने अपना इस्तीफा दिया है और उसकी वजह से पूरे मालेगांव के लोग मुझे जानते हैं। पिछले 5-6 महीने से मैं इस हलके में समाजी जो लोग खिदमत दे रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे मैं मिल रहा हूं और उनसे मैंने अपनी ये बात, जो मेरी जो ख्वाहिश है, मैंने जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि 24% मुसलमान, 7% दलित, 15% आदिवासी और जो लोअर ओबीसीज हैं उनका सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में मैंने कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी थी, मेरा नाम भी गया था स्टेट हेडक्वार्टर को, लेकिन जब मुझे ये यकीन हो गया कि पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तब मैंने वंचित से संपर्क किया और वंचित के लोगों ने मुझे बहुत वेलकम किया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। देखिए, इसमें पिछली बार के इक्वेशन में और आज के इक्वेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले बार का जो आदमी था उसका कोई पॉलिटिकल या सोशल बैकग्राउंड उनका नहीं था और इलेक्शन वो जीतने के लिए नहीं खड़े हुए थे। इस बार हम इलेक्शन को जीतने के लिए खड़े हुए हैं और मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ, मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, लोग मुझसे बखूबी वाकिफ़ हैं और एक मैंने किताब लिखी है, मैं राइटर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, मैनेज होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ करके और इलेक्शन को जीतने के लिए आया हूँ। पार्लियामेंट में 14.2% मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 4% है। हमारे 78 MPs होने चाहिए, आज सिर्फ 24 और 25 पे हम लटके हुए हैं। मैं मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर मैं बेदार करना चाहता हूँ और राजनीतिक बेदारी आई तो हर तरह की बेदारी आएगी। मैंने अपने किताब में एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर में ये लिखा है कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल इम्पावरमेंट। अगर सियासी तौर पर अगर मुसलमान मजबूत होता है, सियासी तौर पर अगर वो अपने हक और हकूक हासिल करता है तो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आने के बाद मुसलमानों को जागरूक करूँ और मुसलमानों के साथ साथ जो वंचित हैं, वंचित किसको कहा जाता है, डिप्राइव्ड को कहा जाता है, यानी आपका हक है, आपको राइट्स मिले हैं लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं दी जा रही हैं, आप वंचित हैं। तो वंचित में मुसलमान हैं, वंचित में आदिवासी हैं, वंचित में दलित हैं, वंचित में हमारे ओबीसी भाई हैं। 52% आबादी है हमारे दलित ओबीसी भाइयों की, लेकिन उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। हम बार बार मांग करते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे जाति जनगणना होनी चाहिए और आबादी के हिसाब से हमारे सारे ओबीसी भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए तो उनको तालीम में भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको राजनीति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण आज दलित और आदिवासी भाइयों को मिलता है, सेम रिजर्वेशन हमारे ओबीसी भाइयों को मिलना चाहिए। तो जो वंचित हैं, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, गरीब हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं काम करना चाहता हूँ।